सो विल सी द टाइप्स ऑफ फैमिली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैरिज किस टाइप की मैरिज है मोनोगैमी पॉलोगैनी पॉलीगानी एड्रेस या बेस्ड ऑन द रीसेंट बेस्ड ऑन द ओरिजिन बेस्ड ऑन रेजिडेंस बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड कंपोजिशन बेस्ड फैमिली सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मैरिज मैरिज हो सकती है मोनोग पॉलीगैनस पॉली गायनी एंड्रेस एंड पॉली गायनी पॉली एंड्री गाइनिस एंड पॉली गायनी एंड्रेस फिर बेस्ड ऑन रेजिडेंस हो सकती है हमारी पेट्रीलिनियन मेट्रीलिनियन न्यो लोकल एंड अवंको लोकल बेस्ड ऑन डिसेंट, ओरिजन डिसेंट के हिसाब से हो सकती है पेट्रीलिनियन मेट्रीनियन मेट्रीफोकल एंड डबल लीनियल अथॉरिटी बेस्ड हो गई हमारी पेट्रीपोटेस्ट्रल मेट्री पोटेस्ट्रल एंड अवंको पोटेस्ट्रल एंड बे कंपोजिशन बेस्ड फैमिली कैसी होती है सो एक होगी न्यूक्लियर जॉइंट एक्सटेंडेड एंड देन सब न्यूक्लियर न्यूक्लियर जॉइंट एक्सटेंडेड सब न्यूक्लियर आर्की मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है लीनियल मतलब जनरेशन अगर मेट्री आर्की बोला मतलब मेट्री आर्की मतलब वुमेन की चलती है प्रॉपर्टी वुमेन की होगी लीनियल बोला मतलब नाम जो है सरनेम है वो मदर से आ रहा है तो उसको बोलते हैं लीनियल फॉर एग्जाम्पल मेट्रीनियल तो देर अ डिफरेंस मेट्री आर्कल एंड मेट्रीलियल फैमिली सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द मैरिज तो एक मैरिज होती है मोनोगी मोनोगी जब मैरिज मोनोगी होगी तो इस टाइप की फैमिली को क्या बोलेंगे मोनोगस मैरिज सारे ट्राइब्स एंड सोसाइटीज़ में ज़्यादातर क्या होती है मोनोगेमस मैरिज और मोनोगेमस फैमिली होती है फिर मोनोकेमस मैरिज होगी तो मोनोकेमस फैमिली हो सकती है जॉइंट भी हो सकती है और न्यूक्लियर भी हो सकती है लेकिन एक हस्बैंड का एक ही वाइफ हो मतलब एक ही एक शादी एक ही से होगी तो ये होती है मोनोगी एंड मोनोगेमस फैमिली जॉइंट भी हो सकती है न्यूक्लियर भी हो सकती है पॉलीगाइनी इस टाइप की फैमिली को बोलेंगे पॉलीगैनस फैमिली मतलब एक आदमी बहुत सारी औरतों से शादी कर रहा है तो ये बोलेंगे पॉली मैरिज होगी तो उसे फैमिली को बोलेंगे पॉली फैमिली जैसे गौंडस नागाज भिल्स संथाल चिंचू कमर एक्सेट्रा यहाँ पे कहते हैं पॉली गायनी बना रही है पॉली एंड्री पॉली एंड्री मतलब एक वुमेन के बहुत सारे लड़कों से शादी हुई है तो ये हो होगी हमारी पॉली एंड्रस फैमिली फिर पॉली गायनी एंड्रस पॉली गायनी एंड्री इस टाइप की फैमिली होगी पॉली गायनी एंड्रस फॉर एग्जाम्पल इन टोडाज ऑफ तमिलनाडु सो पॉली गानी बैंड्री क्या होता है जी एक वुमेन की भी बहुत सारे हस्बैंड है और हस्बैंड के भी बहुत सारी वाइफ है तो so, इस टाइप के मैरिज को बोलते हैं पॉलीगानी एंड्री सो बेस्ड ऑन द डिसेंट में अगर फैमिली देखें बेस्ड ऑन ओरिजिन और बेस्ड ऑन तो डिसेंट तो एक होता है पेट्रीलिनियल पेट्रीलिनियल मतलब डिसेंट कहाँ से आ रही है फादर से मतलब फादर का सरनेम आ रहा है तो पेट्रीनियल फैमिली फॉर एक्जाम्पल गोन संथाल एंड होन ये पेट्रीलिनियल फैमिली मेट्रीलिनियल में मेट्रीलिनियल मीन्स जो सरनेम है डिसेंट है कहाँ से मदर से चलता आ रहा है तो ये होगी मेट्री लीनियन फैमिली जैसे खासी एंड गोरा एंड गारो ट्राइब फिर कता लब डबल लीनियल कि मदर से भी डिसेंट आ रहे हैं फादर से भी आ रहे थे जिससे बोलेंगे डबल लीनियल फॉर एग्जाम्पल टोडा डबल लीनियन डिसेंट होती है फिर मेट्रीफोकल मेट्रीफोकल फैमिली जैसे नायर में मेट्रीफोकल मेट्रीफोकल मीन्स मदर चिल्ड्रेन एंड मदर्स रिलेटिव स्टे टुगेदर तो इन अ फैमिली मतलब मदर मतलब और मदर के बच्चे और उनके रिलेटिव मदर के रिलेटिव एक साथ फैमिली रहते हैं और फादर क्या होते हैं सोशली एक्सेप्टेड विजिटिंग हस्बैंड फादर कहीं और रहते हैं हम सोशली एक्सेप्टेड विजिटिंग हस्बैंड है आते जाते रहते हैं सो दीज आर सोशली एक्सेप्टेड विजिटल हस्बैंड सो डबल लिनियन वाला हम पूरा एक चैप्टर है पूरा एक टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे किनशिप में डबल लीनियल डिसेंट तो हमारे देखा पेट्रोलिनियन डिसेंट होगी तो पेट्रोलियन फैमिली मतलब जो सर ने आ रहा है फादर से आ रहा है मदर से आ रहे तो मेट्रीनियन फैमिली फॉर एग्जाम्पल एंड गारो डबल लीनियल तोड़ा मिलती है मेट्रीफोकल मीन्स नायर में होती है जैसे फादर इज अ विजिटिंग हस्बैंड और मदर चिटर और मदर के रिलेटिव एक साथ रहते हैं फादर इज़ अ विस्टिंग हस्बैंड इसे बोलते हैं मैट्री फोकल फैमिली फिर देखिए दैट इज़ फैमिली बेस्ड ऑन रेजिडेंस लिव्स एट फादर प्लेस फादर प्लेस पे रखोगे तो उसे बोलेंगे पैट्री लोकल फैमिली जैसे गौन संथाल एनभिल्स में लिव्स इन वाइफ्स मदर फैमिली तो उसे बोलेंगे मैट्री लोकल फैमिली और इसको बोलते हैं यूजोरी लोकल फैमिली जैसे खासी इन गारों में मेट्री फोकल एंड यूजोरी लोकल फैमिली होती है सो so, ना फा के ना मदर के नए रेजिडेंस पे जाके बस कैसे बोलेंगे न्यू लोकल फैमिली और डुओ लोकल फैमिली न्यू लोकल और डुओ लोकल फैमिली और अंकल क्या रह रहे, रहे हैं अवंको लोकल रेजिडेंट पे रह रहे हैं लिव इन द अवंको लोकल रेजिडेंट इसे बोलेंगे अवंको लोकल फैमिली अवंको लोकल फैमिली जैसे मेट्रिलिनियन फैमिली में जो मदर होता है उसके अंकल क्या होते हैं उनके भाई इंपॉर्टेंट होते हैं ज़रूरी नहीं है कि सेम जनरेशन के हो, और ऊपर हो सकते हैं लेकिन मदर के रिलेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब अंकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो लिव इन अवंको लोकल रेसिडेंट तो so इसका नाम है अवंको लोकल फैमिली यूजोरी लोकल क्या होता है मेट्री पोकल फैमिली को ही बोलते हैं यूजोरी लोकल न्यू लोकल को बोलते हैं डोओ लोकल फैमिली एंड अंकल के अगर रह रहे हैं मदर्स अगर अवंको लोकल रेजिडेंट के पास रह रहे हैं अवंको लोकल रेसिडेंट पर रह रहे थे तो बोलेंगे अवंको लोकल फैमिली सो बेस्ड ऑन अथॉरिटी तो अगर फादर क्या रह रहा है अदर अथॉरिटी फादर की है तो उसको बोलेंगे पोटेस्टल फैमिली तो ज़्यादातर फैमिली जो है वो पोटेस्टल है कुछ वेरिएशन होते हैं जहाँ पे मदर डोमिनेट करते हैं बट जनरली एक्सेप्ट किया जाता है कि पोटेस्टल फैमिली होती है मदर अगर मदर डोमिनेट करिए मदर की अथॉरिटी है तो उसे बोलेंगे पोटेस्टल फैमिली अगर मदर का ब्रदर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो उसे बोलेंगे अवंको पोटेस्टल फैमिली अवंको पोटेस्टल फैमिली कंपोजिशन बेस्ड हमारी होती है न्यूक्लियर फैमिली ज्वाइंट फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली एंड सब न्यूक्लियर फैमिली तो न्यूक्लियर फैमिली में होता है एक हस्बैंड एक वाइफ उनके बच्चे बस एक ही मैरिड कपल होने चाहिए न्यूक्लियर फैमिली में जॉइंट फैमिली में दो मैरिड कपल हो सकते हैं ये हुए शादी हुई फिर इनके बच्चे हुए तो ये जॉइंट फैमिली हो गई तो जॉइंट फैमिली ज़रूरी नहीं है न्यूक्लियर फैमिली से छोटी हो न्यूक्लियर फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल एक मदर फादर इनके दस बच्चे और जॉइंट फैमिली में मदर फादर एक बच्चा हुआ उसकी वाइफ तो ये जॉइंट फैमिली है मतलब अगर दो मैरिड कपल हो गए एक से ज़्यादा मैरिड कपल है तो मतलब वो जॉइंट फैमिली हो जाएगी फिर एक्सटेंडेड फैमिली एडिशनल मेंबर अदर देन द नॉर्मल जॉइंट फैमिली कोई बाहर से आके रहने लगे सपोज मामा का लड़का आ गया चाचा का लड़का आ गया तो वो सब रहने लगे आगे तो इसे बोलेंगे एक्सटेंडेड फैमिली फॉर एक्जाम्पल मेट्रीनियली एक्सटेंडेड फैमिली फादर मदर के साइड कोई बंदा आ गया रहने के लिए फॉर एग्जाम्पल मौसी का लड़का आ गया रहने के लिए फिर फादर के साथ का कोई इंसान आ गया रहने के लिए तो इसे बोलेंगे मेट्रीलिनियली एक्सटेंडेड फैमिली फिर सब न्यूक्लियर फैमिली फैमिली स्मॉलर देन द न्यूक्लियर फैमिली उसको बोलते हैं सब न्यूक्लियर फैमिली फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो जाए सपोर्ट मदर या फादर की तो उसे बोलेंगे सब न्यूक्लियर फैमिली तो जो जॉइंट फैमिली होती है न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक्सटेंडेड रिलेटिव आके रहने लगे तो वो हमारी हो जाएगी एक्सटेंडेड फैमिली जैसे मेट्रीली एक्सटेंडेड फैमिली एंड पेट्रीली एक्सटेंडेड फैमिली